हेलो गाइस, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ अखबार बाने गौसे में। दिव्या अग्रवाल और मिलन गाबा ने पकड़ ली है बिग बॉस की गेम। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये लेटेस्ट अपडेट, जिसके बारे में बात करते करते वो खुद ही हैरान हो गए और उनकी आंखें फटी रह गई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलन गाबा और दिव्या अग्रवाल जो है बैठे हुए बात करते हैं, और बात करते हुए दिव्या बोलती है कि इस बार पता नहीं शायद कौन चला जाए। तो वहां पर मिलन बोलते हैं कि शायद मैं चला जाऊं। तो वहां पर दिव्या बोलती है नहीं, फिर पीछे तो दो लड़कियां रह जाएंगी, तो वो कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो वहां पर दिव्या बोलती है कि शायद इस बार जो है वो नेहा जाए। अगर नेहा चली गई तो प्रतीक पीछे रह जाएगा, अगर प्रतीक रह जाएगा तो मेरे साथ पेयर अप कर दिया जाएगा, यानी कि हम दोनों पेयर अप हो जाएंगे। बाबा, ये बात बोलते बोलते वो एक्चुअली में ये चीज बोलती है, वैसे मिलन गाबा बोलते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बातें चलती हैं कि भाई दिव्या और जो प्रतीक है उसको पेयर अप किया जाए, हम देखना चाहते हैं उनकी गेम, उनका कनेक्शन देखना चाहते हैं। और वैसे ही जो बिग बॉस है उन्होंने भी जिशान को इसीलिए निकाला कि वो प्रतीक और दिव्या को साथ में पेयर अप करवा पाए, ऐसी भी बातें मतलब कि चली। और उस दौरान ही अभी दिव्या ने भी ये बात जो है वो पकड़ ली और उनके माइंड में आ चुकी है, अगर ऐसा नेहा गई तो मेरा पेयर अप जो है वो एक्चुअली में प्रतीक शेषपाल के साथ हो जाएगा। हालांकि आपके क्या विचार है इस अपडेट से जुड़े हुए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप लोग को लगता है कि नेहा भसीन को इस बार निकाला जाएगा, घर से बेघर किया जाएगा? हालांकि जी के वापस आने की भी बातें हो चुकी हैं और जिशान जो हैं वो शायद जल्द ही घर में एंट्री ले सकते हैं, बट अभी तक कोई चीजें कंफर्म नहीं है। बट हम तो चाहते हैं कि वो दोबारा से आए, हीरो के जैसे एंट्री मारे और जो बेचारे वहां पर लाचार बैठे हैं उनको संभाले वो आके। हालांकि आपके क्या विचार है इस अपडेट से जुड़े हुए, जरूर कीजिए कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।